मेरा नाम कमला सोनकर है, ये मेरी वाइफ प्रियंका सोनकर, मैं मिर्जापुर का निवासी हूँ। और 2 महीना पहले मुझे पता लगा कि मेरी किडनी में प्रॉब्लम आ गई है, इसलिए मैं पहले इलाज कराने के लिए ये गैलेक्सी हॉस्पिटल में एडमिट हुआ। 3 दिन एडमिट होकर इलाज कराया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वहाँ पर मेरी 2 डायलिसिस हुई और उसके बाद मैं सीधा इलाहाबाद चला गया। वहाँ पर जाने के बाद मेरी हालत और सीरियस हो गई। 15 दिन तक दवा मैं वहाँ पर किया था, कोई रिलीफ नहीं हुआ। इसके बाद मैं यहाँ आरोग्यम के बारे में, मेरे बड़े पिताजी के मध्य लड़का हैं, उनको किडनी का प्रॉब्लम हो गया था और वो यहीं से दवा करके बहुत सही हो गया। तो उन लोग हमको राय दिए कि तुम भी जाकर वहाँ पे दवा करा दो। तो हम चले आए, यहाँ पाए तो जिस दिन हम आए हमारी हालत बहुत ज़्यादा सीरियस थी और मेरा क्रिएटिनिन 20 पहुँच गया था और यूरिया 400 और हीमोग्लोबिन 8 हो गया था। ये सब प्रॉब्लम देखते हुए डॉक्टर साहब से हम मिले तो डॉक्टर साहब ने कहा कि पहले डायलिसिस करा लीजिए, कुछ आपके शरीर को राहत मिल जाए तब आप का दवा हम चलाएंगे। हम चले गए फोर हॉस्पिटल, वहाँ पर 4 डायलिसिस हुए और थोड़ा आराम हुआ मुझको। मैं वहाँ से अंग्रेजी दवा लेकर घर चला गया, 1 हफ्ते तक वो दवा खाया। उसके बाद मैं फिर 1 हफ्ते बाद फिर हॉस्पिटल वापस आया, दवा ख़त्म हो गया था लेने के लिए। जब ब्लड टेस्ट हुआ तो ब्लड में हीमोग्लोबिन और क्रिएटिनिन और यूरिया सारे बढ़ चुके थे। तो हम वहाँ का दवा छोड़कर यहाँ पे आ गए। यहाँ पे आए, 15 दिन का दवा लिए, डॉक्टर साहब पूरे चेकअप की बॉडी का और 15 दिन का दवा दिए हमको। दवा से मुझको लाभ हुआ। 25 दिन तक, 25 दिन के बाद मैं दिखाने आया था। 25 दिन के भीतर कोई भी डायलिसिस मुझे नहीं कराने के लिए, 7 डायलिसिस सब कराए थे। नहीं, इसके बाद कोई डायलिसिस नहीं कराए थे और यहाँ से मुझे काफ़ी आराम है, इसलिए मैं अपने जैसे मरीज को यही राय दूंगा कि ये रास्ता सही है, यहाँ के डॉक्टर अच्छे हैं, आकर यहाँ इलाज कराएं और स्वस्थ हो जाएं। जब से मैं इलाज कराना हूँ काफ़ी आराम है मुझे। अब आगे इलाज चल ही रहा है, क्रिएटिनिन इस समय मेरा थोड़ा सा बढ़ा है, लेकिन दवा लेकर जा रहा हूँ। और धन्यवाद।